एपिसोड 26 एक तरह से पिछले सारे एपिसोड्स का रीकैप है। सबसे पहले वो सीन दिखाया जाता है जब एल किरा की लोकेशन जानने के लिए सिर्फ जापान के केंटो रीजन में ब्रॉडकास्ट कराता है और बताता है ये वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट है। एल बताता है कि उसे किरा के जापान में होने का शक इसलिए हुआ क्योंकि जो किरा का सबसे पहला विक्टिम था उसके क्राइम की न्यूज सिर्फ जापान में ही आई थी। उसके बाद वो सीन दिखाया जाता है जब रियुसाकी सब मेंबर्स को बताता है कि किरा किसी तरह टास्क फोर्स की सब इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है। वो बताता है कि पुलिस फोर्स में टोटल 141 मेंबर्स हैं जिनके पास किरा केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और वो पक्का श्योर है कि इन 141 मेंबर्स के क्लोज जो लोग रहते हैं किरा उनमें से ही कोई एक है। अब इसके बाद बात होती है एफबीआई एजेंट्स की। रियुसाकी बताता है कि 14 दिसंबर को 14 एफबीआई एजेंट्स जापान में एंटर हुए। किरा ने 19 दिसंबर को प्रिजन इनमेट्स का यूज करके कुछ टेस्ट कंडक्ट किए और अपने विक्टिम्स के एक्शंस को कंट्रोल करके देखा। रियुसाकी बताता है कि इन टेस्ट के जरिए किरा एफबीआई एजेंट्स को मारने से पहले यह देखना चाहता था कि उसके अपने विक्टिम्स के ऊपर कितना कंट्रोल रहता है। अब रियुसाकी बताता है कि उसके हिसाब से किरा उन लोगों में से है जो एफबीआई एजेंट्स के थ्रू 14 दिसंबर और 19 दिसंबर के बीच में इन्वेस्टिगेट हो रहे थे। अब इसके बाद बात होती है नियोमी मिसोरा की। रियुसाकी को जब पता लगता है कि रे पेनबर की फियांसे नियोमी मिसोरा है, उसे याद आ जाता है कि नियोमी ने उसके अंडर एक केस में काम किया था। रियुसाकी बताता है कि नियोमी ने किरा केस में कोई पक्का सबूत ढूंढ लिया होगा और तभी किरा ने उसे मार दिया। नियोमी मिसोरा की डेथ के बाद रियुसाकी सब मेंबर्स को बताता है कि अब से वो सिर्फ उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करेंगे जो रे पेनबर की इन्वेस्टिगेशन में आए थे और उन लोगों में डेप्यूटी कितामुरा और चीफ यागामी का नाम आता है। रियुसाकी बताता है कि इसके लिए उसे उन दोनों घरों में वायर टैप्स और कैमराज लगाने पड़ेंगे। चीफ यागामी रियुसाकी को बोलते हैं कि क्या उसे उसके बेटे पर शक है और रियुसाकी बोलता है कि हाँ, उसे शक है कि लाइट यागामी ही किरा है। अब बात आती है लाइट और रियुसाकी के फर्स्ट एनकाउंटर की। रियुसाकी कॉलेज में लाइट के साथ बैठा होता है और वो उसे बताता है कि वो एल है। I want to tell you I'm L. टेनिस खेलते टाइम रियुसाकी लाइट के बिहेवियर से ये कंक्लूड करने की कोशिश करता है कि लाइट किरा हो सकता है या नहीं। मैच के बाद रियुसाकी लाइट को डायरेक्ट बोल देता है कि उसे शक है कि वो किरा है। लाइट रियुसाकी को बोलता है कि वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे उसे वो विश्वास दिला सके कि वो किरा नहीं है। रियुसाकी बोलता है कि अगर वो किरा नहीं है तो ये बात प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सच अपने आप सामने आ जाएगा। अब यहां इंट्रोडक्शन होता है सेकंड किरा का। सेकंड किरा साकुरा टीवी में कुछ टेप्स भेजता है और टीवी एंकर को मार के पूरी दुनिया को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो किरा है। रियुसाकी उस ब्रॉडकास्ट को रुकवाने का ऑर्डर देता है और जो पुलिस ऑफिसर उस ब्रॉडकास्ट को रुकवाने जाता है वो साकुरा टीवी के गेट पर ही मारा जाता है। रियुसाकी बोलता है कि अब तक तो उन्हें ये लग रहा था कि किरा बिना नाम के किसी को नहीं मार सकता, लेकिन अब उन्हें ये पता चलता है कि किरा के लिए सिर्फ फेस देखकर मारना भी पॉसिबल है। चीफ यागामी वैन लेकर आते हैं और साकुरा टीवी में घुसकर सारी टेप्स ले लेते हैं। रियुसाकी सबको बताता है कि उसके हिसाब से ये कोई फेक किरा है और हम लोग इसे सेकंड किरा कहकर भी बुला सकते हैं। फाइनली रियुसाकी चीफ यागामी को कहता है कि वो उनके बेटे की मदद किरा केस में लेना चाहता है। लाइट किरा केस में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देता है और सेकंड किरा के बारे में बताता है कि इस किरा का बिहेवियर रियल किरा से बिल्कुल नहीं मिलता। माचुदा इंप्रेस होकर बोलता है कि यही सेम बात रियुसाकी ने भी बोली थी। सेकंड किरा के रियल किरा को भेजे गए मैसेज में शिनिगामी को दिखाने की बात की जाती है जिससे रियुसाकी बहुत डर जाता है।
रियुसाकी बताता है कि अगर इस डायरी में कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हो जो सिर्फ वो पर्सन समझ सकता हो जिसके पास शिनिगामी पावर्स हो, तो वो इन बातों को कभी नहीं समझ सकता। रियुसाकी बोलता है कि उन्हें उन सारी प्लेसेस पर जाना होगा जो इस डायरी में लिखी हैं। रियुसाकी मात्सुदा को भी इंस्ट्रक्शंस देता है कि जब वो लाइट के साथ जा रहा हो तो वो उस पर जरूर नजर रखे, क्योंकि अगर लाइट सच में कीरा है तो सेकंड कीरा उससे कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। साथ ही साथ रियुसाकी मोगी को भी इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो लाइट को फॉलो करे और उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखे। मिसा लाइट के कॉलेज में आती है और रियुसाकी से मिलती है और उसे बताती है कि वो लाइट की गर्लफ्रेंड है। रियुसाकी उसे अपना नाम हिदागी रियुगा बताता है। मिसा रियुसाकी का नाम सुनकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसका रियल नेम वो उसके सर पर देख पा रही होती है। रियुसाकी मिसा को सेकंड किरा के होने के सस्पिशन में कस्टडी में ले लेता है और बताता है कि सेकंड किरा के भेजे गए एनवेलप्स में जो हेयर स्ट्रैंड मिले हैं और जो फाइबर मिले हैं वो एग्जैक्टली मिसा से मैच हो रहे हैं। रियुसाकी मिसा से सच बुलवाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन मिसा यही बोलती है कि वो सेकंड किरा के बारे में कुछ नहीं जानती। मिसा की कन्फाइनमेंट के बाद लाइट भी कन्फाइनमेंट में जाने की डिमांड रखता है। रियुसाकी मन में सोच रहा होता है कि लाइट ने ये बोला था कि वो कीरा हो सकता है, बल्कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, और वो कीरा हो नहीं सकता बल्कि वो कीरा है। लाइट रियुग को कहकर डेथ नोट की ओनरशिप को छोड़ देता है और डेथ नोट की सारी मेमोरीज को भूल जाता है। लाइट रियुसाकी को मनाने की कोशिश करता है कि वो कीरा नहीं है। इतने में क्रिमिनल्स का मरना दोबारा शुरू हो जाता है। रियुसाकी कुछ समझ नहीं पाता कि ये सब क्या चल रहा है। लाइट, मिसा और चीफ यागामी को कन्फाइनमेंट में रखे काफी टाइम हो जाता है। इतने में मात्सुदा राइजावा रियुसाकी के ऊपर उन तीनों को रिलीज करने का प्रेशर बनाने लगते हैं। रियुसाकी उन्हें रिलीज करने के लिए मान जाता है, लेकिन चीफ यागामी को लाइट और मिसा का एक फाइनल टेस्ट लेने के लिए बोलता है। चीफ यागामी लाइट के ऊपर गन पॉइंट करते हैं और उसे शूट करने की एक्टिंग करते हैं और उसे असली में नहीं मारते, जिसके बाद रियुसाकी उन दोनों की कन्फाइनमेंट खत्म कर देता है। लाइट की कन्फाइनमेंट खत्म हो जाती है और रियुसाकी के ऑर्डर्स के हिसाब से उसे 24 आवर्स उसके साथ ही रहना पड़ता है। कीरा इन्वेस्टिगेशन में कंटिन्यूसली काम करने के बाद योत्सुबा ग्रुप हाईलाइट होने लगता है। रियुसाकी को समझ में नहीं आ रहा होता कि कीरा योत्सुबा में से ही कोई एक है या फिर वो योत्सुबा का यूज कर रहा है। रियुसाकी सब मेंबर्स को बोलता है कि कोई भी मैटर को अपने हाथ में नहीं लेगा, लेकिन मात्सुदा अपने आप को यूजफुल दिखाने के लिए योत्सुबा के ऑफिस में घुस जाता है और खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। मात्सुदा रियुसाकी को कॉन्टेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि कीरा को नेक्स्ट किसको मारना चाहिए। रियुसाकी सब मेंबर्स को बताता है कि अगर मात्सुदा मरता है तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि कीरा योत्सुबा में से ही कोई एक है। योत्सुबा को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने के बाद ये बात पता लग जाती है कि कीरा उन लोगों में से ही कोई एक है। मिसा हिगुची के साथ डेट पर जाती है और उसे बताती है कि वो सेकंड कीरा है और वो रियल कीरा से शादी करना चाहती है। हिगुची मिसा के प्लान में फंस जाता है और उसे बताता है कि वो रियल कीरा है। मिसा हिगुची की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और सब मेंबर्स को रिकॉर्डिंग सुनाती है। रियुसाकी हिगुची को पकड़ने का प्लान बनाने लगता है और सबको बताता है कि वो हिगुची को साकुरा टीवी का यूज करके पकड़ेगा। प्लान के अकॉर्डिंग रियुसाकी सारा सेटअप करता है और नामिकामा के थ्रू हिगुची को शो देखने पर मजबूर कर देता है। हिगुची रियुसाकी के प्लान में फंस जाता है और मात्सुदा को मारने के लिए लग जाता है। प्रेशर में आकर वो आई डील भी कर लेता है और एक पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है, जिसके बाद रियुसाकी सबको बताता है कि अब हिगुची के पास सेकंड कीरा वाली पावर्स आ चुकी है। सारा पुलिस फोर्स और एल मिलकर हिगुची का पीछा करने लगते हैं और वतारी रियुसाकी की कार को शूट करके रोक देता है और फाइनली वो पकड़ा जाता है। रियुसाकी हिगुची से पूछता है कि वो किस तरह लोगों को मार पाता है। वो बताता है कि उसके पास एक स्पेशल नोटबुक है जिसमें वो किसी का भी नाम लिखकर उसे मार सकता है।
चीफ यागमी नोटबुक को हिगुची की कार से निकालते हैं और रैम को देखकर बहुत डर जाते हैं। रिसाकी भी डेथ नोट को टच करता है और उसके बाद रैम को देख पाता है और एडमिट करता है कि शिनिगामी सच में होते हैं। रिसाकी अपनी अभी तक की सारी थ्योरी को एनालाइज करता है और ये कंक्लूड करता है कि नोटबुक एक से ज्यादा होनी चाहिए और ये गेम अभी बाकी है। There have to be two notebooks, possibly more. This isn't over yet. अब सारे मेंबर्स मिलकर डेथ नोट के रूल्स को सुनते हैं। आयजावा बताता है कि डेथ नोट के रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी पर्सन डेथ नोट में किसी का नाम लिखता है तो उसे 13 डेज के अंदर दोबारा नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो पर्सन मारा जाएगा। रिसाकी मन में सोच रहा होता है कि अगर लाइट और मीसा कीरा और सेकंड कीरा थे तो इस रूल के होते हुए ये बात कन्फर्म नहीं हो सकती। रिसाकी कीरा केस में की गई इन्वेस्टिगेशन की सारी इन्फॉर्मेशन आगे किसी को भेज देता है और साथ ही साथ मैसेज में लिखता है कि अब वो ये मैसेज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब वो जिंदा नहीं है। I hereby leave this record as my firm achievement. That is all. अब प्रेजेंट टाइम में मात्सुदा बोलता है कि रिसाकी को मरे हुए 10 दिन हो गए हैं और वो लोग अभी तक जिंदा हैं। आयजावा न्यूज़पेपर पढ़ता है और बोलता है कि अब उन लोगों को वतारी की रियल आइडेंटिटी तो मालूम है लेकिन रिसाकी असलियत में कौन था इस बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। मात्सुदा बोलता है कि हाँ, उसे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि वतारी असलियत में एक इन्वेंटर था। आयजावा बताता है कि न्यूज के हिसाब से वतारी एक इन्वेंटर था जिसने कई सारे ऑर्फनेजेस बनाए थे और वो भी उन पैसों से जो इन्वेंशंस को पेटेंट करके मिले थे। आयजावा बोलता है कि अब वो लोग इस जगह को इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वतारी और एल दोनों उनके बीच में नहीं है। चीफ यागमी लाइट से पूछते हैं कि सब कैसा चल रहा है। लाइट बोलता है कि वो आज रात तक सब इन्फॉर्मेशन वापिस निकाल लेगा। लाइट बताता है कि उसने एक वॉइस फिल्टर बनाया है जो कि बिल्कुल वैसे काम करेगा जैसा रिसाकी का करता था। लाइट बताता है कि इस फिल्टर का यूज करके वो लोग पुलिस को ऐसे दिखाएंगे कि एल अभी तक जिंदा है और इसी वॉइस का यूज करके वो उन्हें ऑर्डर्स देगा। लाइट बोलता है कि लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो बोलता है कि एल की प्लेस कौन लेगा और वो लोग कहां से काम करेंगे और वो लोग डेथ नोट का क्या करेंगे। मात्सुदा लाइट को बोलता है कि अब सिर्फ वही रिसाकी की जगह ले सकता है। लाइट बोलता है कि वो रिसाकी की जगह नहीं लेगा क्योंकि रिसाकी इसलिए मर गया था क्योंकि उसने कीरा को चैलेंज किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। आयजावा बोलता है कि उन लोगों में से सिर्फ वो ही है जो रिसाकी की जगह ले सकता है। मात्सुदा बोलता है कि रिसाकी ने भी ये बात बोली थी कि लाइट एल की लेगेसी आगे ले जाने के लिए परफेक्ट है। लाइट मन में सोच रहा होता है कि रिसाकी के बिना मजा ही नहीं आ रहा है। लाइट एल की जगह लेने के लिए मान जाता है। Just as I thought, it's too simple. It's no fun without Ryuzaki here. I understand. All right, I'll do it. लाइट सबको बताता है कि लेकिन वो रिसाकी की तरह कीरा को चैलेंज नहीं करेगा क्योंकि ये काफी डेंजरस हो सकता है। चीफ यागमी बोलते हैं कि उन लोगों के लिए यही बेटर होगा। लाइट बोलता है कि वो इस कंप्यूटर का और साथ ही साथ अपने पर्सनल कंप्यूटर का यूज करके केस को सॉल्व करेगा। लाइट बोलता है कि वो अपने पर्सनल रूम में बैठकर केस को सॉल्व करना चाहता है और बोलता है कि अपने रूम में वो एल के साथ साथ वतारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी खुद पूरी कर लेगा। लाइट बोलता है लेकिन घर में मॉम और सायो के होने की वजह से उसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अच्छा होगा कि वो एक रूम रेंट पर ले ले। चीफ यागमी बोलते हैं कि ठीक है, वो उसे एक रूम रेंट पर दिला देंगे। आयजावा बोलता है कि अब ये बताया जाए कि डेथ नोट का क्या करना है। लाइट बोलता है कि क्यों ना उन लोगों में से कोई भी एक पर्सन डेथ नोट को कोई ऐसी जगह पर छुपा आए जहां पर उसे कोई ना ढूंढ पाए। आयजावा चीफ यागमी को बोलते हैं कि ये काम आप कर सकते हैं और वो इसके लिए एग्री कर जाते हैं। मात्सुदा बोलता है कि सब मिलकर रिसाकी की डेथ का बदला जरूर लेंगे, जिस पर सब एग्री करते हैं। लाइट काफी टाइम बाद मीसा के साथ डेट पर जाता है। मीसा बोलती है कि वो इतना चुप क्यों है। लाइट बोलता है कि वो दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। मीसा इस सुनकर बहुत खुश हो जाती है। लाइट हेडक्वार्टर के टेरिस पर खड़ा होता है। ड्यूक लाइट को बोलता है कि उसे लगता है कि जोकि रिसाकी मर गया है
अब सब कुछ बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाला है। लाइट बोलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो उसे एक नए वर्ल्ड की क्रिएशन दिखाएगा। रियू के सुनकर बहुत हैरान होता है। From this moment on, I'll show you the creation of the new world. बहुत तेज तेज बादल गरज रहे होते हैं। लाइट अपना पेन उठाता है और क्रिमिनल्स का नाम एक एक करके डेथ नोट में लिखना शुरू कर देता है। एक के बाद एक क्रिमिनल्स मरना शुरू हो जाते हैं और कीरा का वही टेरर लोगों में फिर से आ जाता है। क्रिमिनल्स के साथ साथ लाइट बेडी को भी मार देता है और उसके बाद आइबर को भी। योत्सुबा ग्रुप के मेंबर्स भी एक एक करके मरने लगते हैं। 2012 की अप्रैल को लाइट 23 साल का हो जाता है और पुलिस फोर्स को ज्वाइन करता है, लेकिन साथ साथ अपने कीरा होना भी मेंटेन रखता है। पूरा वर्ल्ड कीरा को जानने लगता है और उसके जस्टिस करने के तरीके को सब एक्सेप्ट भी करने लगते हैं। एपिसोड के एंड में वेमीज हाउस दिखाया जाता है, जो कि एक ऑफनेज होता है। एक पर्सन वहां बैठा होता है जो दो अनाथ बच्चों को बैठाकर बताता है कि एल मर चुका है। What is it, Roger? It's L. He's dead.